फाइनली फ्रेंड्स, इतने लंबे इंतजार के बाद ट्रेन आ गई है, तो चलिए अब ट्रेन पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हाजीपुर। फ्रेंड्स, सुबह हो चुका है और हम लोग बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो चुके हैं। आप लोग ने देखा कल का सफर कि हम लोग ने पटना से हाजीपुर आया और अब आप लोग देखेंगे हाजीपुर से वैशाली का सफर। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा भूख लग चुका है, तो अभी जाएंगे होटल और कुछ खाते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। जैसे कि मैंने अगले एपिसोड में आपको बताया था कि ट्रेन 7:45 में है। खाना है हमारा और खा के आपसे मिलते हैं, और इसके बाद हम लोग का ट्रेन है 7:45 में। ट्रेन पे बैठ के आप लोग उससे बात करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, इतने लंबे इंतजार के बाद, करीबन एक दिन इंतजार किया, और उसके बाद ये ट्रेन आ गई है। तो चलिए अब ट्रेन पे चलते हैं और आपको सीधा जर्नी दिखाते हैं हाजीपुर टू वैशाली का। हाथ को लगा बैठे। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं वैशाली। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं राजा विशाल का गढ़ के सामने। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने वो जो बोर्ड आप लोग को दिख पा रहा होगा, तो ठीक इधर साइड एक रोड है, उसे तो उधर जाना है। और उनका जो गढ़ हुआ करता था, राजा विशाल जी का जो गढ़ हुआ करता था, मैं आज आप लोग के सामने दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहे। चलिए अब चलते हैं राजा विशाल का गढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस प्लेस में। तो फ्रेंड्स, आप यदि अंदर आते हैं राजा विशाल गढ़ के रास्ते से अंदर आते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का एक पोखर टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं काफी खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है। और उधर जो देख रहे हैं आप, उधर जो आप लोग देख पा रहे हैं, इधर यही है राजा विशाल गढ़ का अंदर का लुक है। चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा राजा विशाल के गढ़ का एंट्री गेट, और अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है अंदर। तो फ्रेंड्स, यही है राजा विशाल के गढ़ का ये अंदर का नज़ारा है। इसे आप लोग विशाल फोर्ट भी बोल सकते हैं, और राजा विशाल के नाम से ही इस जगह का वैशाली नाम पड़ा है, क्योंकि ये राजा विशाल थे, ये महाभारत के टाइम के थे। और ये जो है अब जो पीछे देख रहे हैं, ये है राजा विशाल का गढ़ है। इसे पार्लियामेंट भी कहा जाता है, पुराने ज़माने का पार्लियामेंट भी इसे कहा जाता है। लोग 500 से 6,000 यहाँ पे आते थे लोग, और यहाँ पर मीटिंग करते थे। लेकिन अब ये टूट चुका है, फिर साल हो चुका है इसे टूटा हुआ। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी संभाल कर सरकार के द्वारा इस चीज़ को रखा जा रहा है कि आने वाले हमारे जितने भी जनरेशन है, उसे उन्हें भी पता चले कि क्या राजा विशाल का क्या कहानी था, क्या जीवनी था। तो इस प्रकार का आप लोग जो देखते हैं, सुनते हैं कहानी, तो इसी को संभाल कर सरकार के द्वारा रखा जाता है। और इधर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी अंदर से, यहाँ पे मैं अंदर यदि जाऊँ तो अंदर से आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराने ज़माने का ये जो पत्थर होता था, उसी से ये बनाया गया है। ये काफ़ी मजबूत ये पत्थर होता था, और ये काफ़ी बरसों बरस ये टिकता था। तो यही है कुछ विशाल फोर्ट का ये अंदर का नज़ारा।